32, दैट मीन्स वेट रेशो आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना देखोगे, 3:8, चाहे वो फलस्तीन का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाइना का हो, कहीं का भी, कश्मीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें जो वेट रेशो होगा वो कितना होगा, 3:8, वही मैंने बताया। और एक चीज़ आपको याद रखना है इस कंपाउंड के बारे में, ये होमोजीनस होता है। क्या होता है होमोजीनस, मतलब क्या हो गया, सपोज अगर मैं यहाँ पे लूंगा अभी एक गिलास ऑफ वाटर, जो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आप देखोगे उसकी फार्मूला क्या होगी, H2O। ये देखोगे H2O, ये देखोगे, ये नहीं कि किसी मॉलिक्यूल में क्या शबा H3O होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी और होमोजीनस। होमोजीनस इन नेचर होता है कौन, शाबाश, कंपाउंड होता है होमोजीनस, क्योंकि मैंने बताया इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है पहले किसके आधार पर, शाबाश, सोर्स, ऑरिजिन, कहाँ से हमने इनको कहाँ से डिराइव किया, हमने इनको कहाँ से डिराइव किया, कहाँ से हासिल किया इन कंपाउंड्स को, या हम बोलेंगे प्योर सबस्टेंसेस, इनका ओरिजिनल क्या है, प्योर सबस्टेंसेस। अब आपको पता चला जो कंपाउंड्स होते हैं वो एलिमेंट्स के बने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के बने होते हैं, वही आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल बाड बनाते हैं, और उस केमिकल बाड की वजह से एक नया कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो आपको पढ़ना है 10th वालों को, जो पढ़ना है इसमें पहले चैप्टर में उनको पढ़ना है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो आपस में एक केमिकल बाड बनाते हैं, तो वहाँ पे एक नया कंपाउंड वजूद में आता है, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। अब ये कंपाउंड जिनका और एक नाम क्या है, प्योर सबस्टेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ऑरिजन, कहाँ से हमने इनको डिराइव किया, कहाँ से हमने इनको हासिल किया, मंबा कहाँ पे है इनका, इन कंपाउंड्स को हम कहाँ से हासिल करते हैं, ऑन द बेस ऑफ सोर्स और ऑन द बेस ऑफ ऑरिजन, दिस कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, शाबाश, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शाबाश। यहाँ पे आप देखो OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड IC मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स डिफिनेशन क्या है, दोज कंपाउंड्स या सबस्टेंसेज, ऐसे सबस्टेंसेज या ऐसे कंपाउंड्स विच हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम, विच हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम, पहली डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कहा गया था, दोज कंपाउंड्स और सब विच हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, ऑर्गेनिज्म्स या ऐसे हम बोलेंगे जिनको हम हासिल करते हैं, जिनको हम डिराइव करते हैं, कहाँ से, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें माइक्रो प्लांट्स भी आएंगे, माइक्रो एनिमल्स भी आएंगे, तो ये आपको याद रखना है, उन्हीं को क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाद में ये डिफिनेशन चेंज हो गई क्योंकि बाद में देखा गया कि जिन कंपाउंड्स में दोज कंपाउंड्स पहचानने के लिए, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक ही टाइम पे मौजूद होगा, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये यह आपको याद रखना है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और उनको ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल HCl या H2CO3, इनको हम क्या, शाबाश, ऑर्गेनिक नहीं मानते, इनको हम इनऑर्गेनिक मानते हैं, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच हो। और उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको हम बोलते हैं, दोज कंपाउंड्स और सबस्टेंसेस विच हैव बीन ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, जिनको हम मिनरल्स एंड रॉक्स से डिराइव करते हैं, रॉक्स, दोज कंपाउंड्स विच हैव ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स आर कॉल्ड शाबाश इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक डिफिनेशन, जिनमें कार्बन
साइमल्टेनियसली मौजूद नहीं होगा। एक में कार्बन होगा तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, जिनमें ये इकट्ठे नहीं होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसी एग्जांपल की, सपोज अगर मैं लूँगा फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे हैं। इसी तरह फॉर्मिक एसिड इसको हम बोलते हैं जो आंट्स में पाया गया है या जो नेटल प्लांट में पाया गया है। इसी तरह एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम कॉमनली विनीगर भी बोलते हैं, तो एसिटिक एसिड या एथेनॉइक एसिड भी है, तो कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज वाटर की बात करो, खाली हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन नहीं है। मैंने क्या बताया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, जिसमें दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये दो भी आप इसी में ले आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको इसमें रखा गया, अगर इनमें कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन है यहाँ पे मगर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, शाबाश, इनऑर्गेनिक। तो अब आपको खुद समझ आना चाहिए कि कौन इनऑर्गेनिक। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा NaCl, क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें Na और Cl है, क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन ना कार्बन है। तो ये आपको याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो इतना सब करने के बाद और एक क्लासिफिकेशन की गई इन कंपाउंड्स की, इन प्योर सबस्टेंसेस की, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के आधार पर भी पहले पहले इन कंपाउंड्स को, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स वजूद में आ गए थे, फिर इन कंपाउंड्स को पहले अयाम में टेस्ट के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दीज कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। वही जो हमारा टॉपिक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। दैट मीन जो ये एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से क्या है, असल में ये कंपाउंड्स है, ये प्योर सब्सटेंसेस है। और इन कंपाउंड, क्योंकि हम बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन कंपाउंड्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रपरेशन वगैरह को समझने के लिए, उनकी यूज को समझने के लिए उनको क्लासीफाई किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दे हैव बीन क्लासीफाइड इनटू एसिड्स, शाबाश, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट देखा गया एसिड्स कैसे होते हैं, क्योंकि एसिड्स टर्म आई है, डिराइव किया गया इसको एसिड्स में। एसिड्स मतलब सुअरिन टेस्ट, जो कैसे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, स्वच्छ आसन तिम नाथ हमें क्या, शाबाश, एसिड्स का बुनियाद पर, टेस्ट किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। यही पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यम चीज टेस्ट आए लाभ, बिटर इन टेस्ट, उनको क्या कहा गया, बेसिस। और जो सबस्टेंसेस साल्टी लगे, जैसे हमारा कॉमन साल्ट होता है, जिनका जो टेस्ट है साल्टी लगा, उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स। तो अब सवाल है, क्योंकि मसला यह है कि हम हर किसी सबस्टेंस को टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्योर सबस्टेंसेस, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी है जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, जो करोसिव नेचर होते हैं, जिनसे बर्निंग सेंसेशन होती है, जिनसे हमें, जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस सब को दूर करने के लिए, इसी तरह साल्ट्स का भी यही हाल है, सपोज कुछ साल्ट्स पॉइजनस होते हैं, उनको उनका टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो इस ड्रॉबैक को, इस टेस्ट के, जो टेस्ट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे इन प्योर सब्सटेंसेस को, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया चीज़ बनाया गया। सबसे पहले, क्योंकि पहले साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनका नेचर एनालाइज करने के लिए साल्ट एनालिसिस की जाती है। साल्ट एनालिसिस जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th और 12th में आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमें खाली क्या पढ़ना है, एसिड्स बेसिस को हम कैसे, क्या, शाबाश,
डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेस और एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर स्वर इन टेस्ट, बेसिस आर दोज प्योर सबस्टेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, बिटर एंड सिलिपरी, और ये सिलिपरी भी होते हैं, लिंचिमासन, सिलिपरी टू टच, सिलिपरी टू टच, जब हम इनको टच करते हैं, सपोज सोप आप लीजिए वो बहुत सिलिपरी होती है, शैम्पू आप लीजिए वो बहुत सिलिपरी होते हैं, और साल्ट्स होते हैं या ऐसे प्योर सबस्टेंसेस होते हैं जिनको हम कहाँ से हासिल करते हैं, विच हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस को आपस में मिलाने के बाद हम क्या, जो हमें नया चीज़ वहाँ से हासिल होता है, रिएक्शन जब हम करते हैं केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में, जो हमें वहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है वो साल्ट होता है, और जिन साल्ट्स का टेस्ट साल्टी होता है, जैसे कॉमन साल्ट की तरह होते हैं उनको हम